हेलो गाइस, तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने वाले हैं और वो है क्या कि इम्पोर्टेंस ऑफ गुड रैंक इन जेईई मेंस एंड एडवांस एग्जाम। मे बी ये हो सकता है कि कुछ बच्चों को आज ये वीडियो उतनी रिलेटेबल नहीं लगे, उतनी हेल्पफुल नहीं लगे, शायद इसका सेंस समझ में नहीं आए, लेकिन एक बहुत ही हार्श रियलिटी है IITs और NITs कॉलेज की, जिसके बारे में मुझे लगा कि मुझे आपको बता देना चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम हुआ नहीं है। हम सबकी सोच रहती है कि कैसे ना कैसे जेईई मेंस या एडवांस में हमारा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे केवल सिलेक्शन के बारे में सोचते हैं, रैंक के बारे में नहीं। उससे जब हमारा एडमिशन हो जाता है IITs या NITs में, तो जो दिक्कत आती है और उन कॉलेजेस के बारे में, ये सब चीज़ें ना जब हम कॉलेज में पहुँचते हैं तब हम फील करते हैं। तो मुझे लगा शायद मैं आज ही आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर दूँ, ताकि अगर आप अपनी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए जितना भी कुछ कर सकते हैं वो अभी कर लीजिए, क्योंकि अभी देर नहीं हुई है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, IIT और NITs में हमारी बहुत सारी ब्रांच है, जैसे कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो शायद अभी आप लोग नाम भी नहीं जानते होंगे। जब आप काउंसलिंग में बैठेंगे, जब आपको कॉलेज चाहिए होगा, तब आपको पता चलेगी। लेकिन यार, एक बात यह है कि हम सभी IIT और NIT में क्यों जाना चाहते हैं? एक अच्छे पैकेज के लिए, और मे बी कई लोगों को आगे MBA करना हो सकता है, या फिर जो भी आपको करना हो, लेट से उसके लिए। तो देखिए, जो लोग सिर्फ जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से IITs में जा रहे हैं, तो आज ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखिए, हमें पता है कि हमें ब्रांच किस बेसिस पे मिलेगी किसी भी कॉलेज में, हमारी रैंक के बेसिस पे। और जैसे जैसे आपकी जो ब्रांचेज हैं उनके क्या पैकेजेस हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, IITs भी तीन टाइप की हैं, एक जो हमारी ओल्ड वाली है, एक जो अभी कुछ 8-10 साल पहले खुली थी सेमी न्यू वाली, और एक अभी एकदम नई वाली है। तो देखिए, जो आपकी IITs हैं, पहले मैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। तो जो आपकी सबसे पुरानी IITs हैं, अगर उसकी आप CS या EC ब्रांच में हैं, तो ऑन एन एवरेज जो आपका प्लेसमेंट पैकेज लगता है जॉब के बाद में, एवरेज बोल रहा हूँ मैं, वो 10+ लाख पर एनम होता है अराउंड। उसके बाद में जो सेमी न्यू है, उनका भी ये थोड़ा कम है, ये अभी 7 से 8 के बीच में ऑन एन एवरेज है। और जो नई है, उनका भी डेटा एज सच अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए उनके बारे में बात नहीं करूंगा। सिमिलरली उसके बाद, ये सबसे अच्छा पैकेज बता रहा हूँ मैं आपको कंप्यूटर साइंस और EC का। अगर हम इलेक्ट्रिकल में आएंगे तो ये 8 या 7 से 8 के अराउंड हो जाता है, टॉप IITs की बात कर रहा हूँ। केमिकल मैकेनिकल में ये और भी कम होकर के ये 6 से 7 ही रह जाता है। और देखिए, जो नीचे वाली ब्रांचेस हैं, इनका और भी कम हो जाता है, मतलब इससे भी कम होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें सभी बच्चों का 6 से 7 होता है, इसमें होता है कई बच्चों का 14 का भी लगता है और कई बच्चों का 5 का भी लगता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 6 से 7 होता है। तो आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे आपकी ब्रांच जो आपकी IT सेक्टर से हटती जाती है, आपकी प्लेसमेंट्स में दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। और अगर आप किसी भी कॉलेज में CS, EC, EE या अच्छी ब्रांच चाहते हैं, तो आपको एक अच्छी रैंक होनी चाहिए, क्योंकि टॉप रैंक पर ही आपको ये ब्रांचेस मिल सकती है, सभी बात जानते हैं। सिमिलरली अगर मैं NIT की बात करूं, तो आपकी जो टॉप NITs हैं, उसमें जो ऑन एन एवरेज आपका CS और EC का प्लेसमेंट है, वो 8 से 9 लाख है। EE का जो एवरेज है, वो आपका अराउंड 8 का ही है यहाँ पर भी, लेकिन मतलब 7 से 8 है यहाँ पे। केमिकल मैकेनिकल सिविल, क्योंकि इस दिक्कत क्या होती है केमिकल मैकेनिकल और सिविल के साथ में, इनकी जो कोर कंपनीज हैं, वो प्लेसमेंट्स के लिए कॉलेज में बहुत कम आती हैं। इसकी वजह से बच्चों को क्या होता है, दूसरे सेक्टर में जाना पड़ता है, और जॉब्स उतनी ज़्यादा पे स्केल पर नहीं होती हैं। तो मैं बस यहाँ पे ये जो बात बताने का मेरा मेन एम यही है कि अगर आप पैकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपके लिए रैंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जो आपकी टॉप NITs या टॉप IITs हैं, उनकी सिर्फ कंप्यूटर साइंस, EE या फिर आप केमिकल मैक देख लेंगे, तो इनमें फिर भी कुछ आपका पैकेज अच्छा है। तो प्लीज़ अपनी रैंक का ध्यान रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि होता क्या है, बच्चे सोचते हैं सिर्फ सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये सिलेक्शन ना एक्चुअली किसी काम का नहीं है। एक बार कॉलेज में जाने के बाद में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपकी ब्रांच, और वो ब्रांच आपको कैसे मिलती है, रैंक, और आपने वहां पे क्या किया,
बहुत अच्छी बात है, आप किसी भी ब्रांच से बहुत कुछ कर सकते हैं, आप कोडिंग भी किसी भी ब्रांच में जाके कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक बार आपके साथ एक ब्रांच का जो टैग होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो आपको तभी मिल सकता है जब आपकी रैंक अच्छी हो। तो अगर आप एक अच्छे पैकेज को सोचते हुए आगे कुछ काम करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप ये कि एक अच्छी रैंक के साथ में एक अच्छी ब्रांच लीजिए। तो प्लीज सिर्फ सिलेक्शन की ना सोच करके अपनी रैंक के बारे में भी सोचिए। तो बस मेरा मेन मोटिव यही है कि यार प्लीज गाइस अपनी रैंक को जितना अच्छा कर सकते हो करो। और मैं आपको एक जानकारी बता दूं, अगर आपको जो अच्छी NITs हैं उनमें अगर आपको एक अच्छी ब्रांच चाहिए तो जो आपकी रैंक है वो आपको 8 से 10 हजार, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आपको ऊपर की कॉलेजेस में CSVS या ECEE मिल पाएगी। अब आप सोच रहे होंगे 8-10, क्योंकि देखिए इन जो बच्चे होते हैं JEE मेन में जिनकी रैंक आती है उनमें से आधे तो IIT में चल जाएंगे, तो जो बचे हुए हैं वही NIT में जाते हैं, तो इसलिए आपको 8 से 10 हजार तक एक अच्छी ब्रांच मिल जाती है। तो प्लीज इस रैंक तक आप अपने आप को लाने की कोशिश कीजिए। बाकी फिर भी अगर रिगार्डिंग छोटी मोटी बातों से रिलेटेड आप कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट रैंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।